एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज है थर्सडे। हाँ, आज थर्सडे है और अभी जो है मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग मतलब बहुत लेट हो चुका है, 10:30 बज रहे हैं मे बी। हाँ, 10:30 नहीं, 11:15 हो रहे हैं। हम लोग जस्ट अभी उठे हैं एंड फ्रेश व्रेश होके आ गए हैं। तो यहाँ बैठी थी, मैंने अपने लिए चाय निकाली थी, चाय बिस्किट। और विवेक जो है कल ये लेके आ गए थे, फाफड़ा है कह रहे थे विवेक। मैंने तो कभी नहीं खाया है फाफड़ा, तो फिर लेके आ गए थे। थोड़ा मतलब बीच बीच में कभी कुछ खाने का मन हुआ तो खाते रहेंगे इसीलिए। एंड कुछ नमकीन वमकीन वेफर्स के पैकेट लेके आ गए थे कल विवेक, कि बीच बीच में खाते रहना कभी अगर मन वगैरह हुआ तो, इस वजह से। तो अभी वही खा रही हूँ एंड अब मेरा फेस देख सकते हो पूरा स्वेल्ड हो चुका है। तो तबीयत जो है बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, फिर भी छोटे मोटे कैसे तो भी ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बट एडिट नहीं हो रहे। तो 2 दिन से जो है ब्लॉग नहीं गया है तो अच्छा नहीं लग रहा है। फिर से गैप हो गई है। मैं हर बार सोचती हूँ कि गैप ना हो, मतलब कभी भी बीच में 1-2 दिन का भी गैप ना हो, कंटिन्यूसली मैं डालती रहूँ ब्लॉग। बट कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि ब्लॉग में गैप हो ही जाती है। अब जैसे कि मेरे पास ब्लॉग पड़े हैं बट मैंने एडिटिंग नहीं की है। नागपंचमी से लेके अभी तक के ब्लॉग मैंने एडिटिंग नहीं किए हैं। नागपंचमी के बाद वैसे भी मैंने 2 दिन बनाए नहीं थे, तबीयत ठीक नहीं थी, तो नागपंचमी का भी ब्लॉग है। तो अभी देखते हैं, अगर हिम्मत हुई तो एडिट करेंगे। अभी मुझे जो है खाना वाना भी बनाना है, विवेक के लिए टिफ़िन भी बनाना है। विवेक आज ड्यूटी जाएंगे आफ्टरनून की शिफ्ट में, तो उनके लिए खाना वाना भी बनाना है। घर के भी थोड़े बहुत काम है, देखते हैं अगर हो सका व्लॉग तो कंटिन्यू करूँगी। तो चलिए चल के सबसे पहले चाय पी लेते हैं। चाय जो कुल भी वो करती थी, बट अभी जो है बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं होती है। अभी देखिए 12 बजते आ गए हैं एंड मेरे घर में अभी तक झाड़ू नहीं लगा है। बहुत बुरा लगता है आजकल मुझे, ऐसा लगता है मैं अपना घर ही नहीं संभाल पा रही हूँ अच्छे से। मतलब जो जिम्मेदारियाँ हैं वो मैं बराबर से नहीं कर पा रही हूँ, निभा ही नहीं पा रही हूँ। एंड सच वो तो बिल्कुल मेरे मतलब हो ही नहीं पा रहा है, मुझसे हिम्मत ही नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है बॉडी में जान ही नहीं है।
हाथ पैर चला के ही नहीं हो रहे हैं, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि बस मुझे लेटना है, बस बेड पे जो है लेट के रहना है, या तो फिर बैठे रहना है, पैरों पे जो है खड़े भी नहीं हो जा रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। मतलब पेट में तकलीफ हो रही है, डायरेक्ट ऐसे नहीं बता सकती। वो कहते हैं प्रेग्नेंट वूमन जो है कुछ चीज़ें जो है नहीं शेयर करनी चाहिए, तो इस वजह से जो है मैं कुछ चीज़ें जो है नहीं बता पा रही हूँ, बट मेरी तकलीफ सिर्फ मुझे ही पता है। एंड विवेक भी फिर भी बहुत संभाल लेते हैं चीज़ों को, बट कभी कभी ऐसा होता है उनकी ड्यूटी की शिफ्ट जो होती है वो बहुत गलत लग जाती है, फिर वो वहाँ से 8-10 घंटे काम करके आके फिर घर में भी मैनेज करना नहीं हो पाता है। जैसे कि अभी जो है विवेक नाइट ड्यूटी करके आए हैं, अभी वो सोएंगे थोड़ी देर, एंड आफ्टरनून के शिफ्ट में जो है वो फिर से ड्यूटी जाने वाले हैं, तो इसीलिए जो है फिर मतलब उनके लिए मैं रुकी रहूँगी खाना बनाने के लिए, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से जो मैंने घर समेटने समेटने से ज़्यादा जो है खाना पहले बनाना जो है वो मैंने ज़रूरी समझा। मैं सोचा कि अगर विवेक उठ जाए, उनको भूख लगी है, तो वो पहले खाना खा सकेंगे। इस वजह से जो है आजकल जो है बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। अब तो बस ऐसे ही लगता है कि फटाफट से जो है वो मेरी हेल्दी डिलीवरी हो जाए, हैप्पी एंड हेल्दी वाली डिलीवरी हो जाए, फिर बच्चे मेरा बच्चा जो वो मतलब अच्छे से तंदुरुस्ती के साथ मेरे हाथ में आ जाए, एंड सारी चीज़ें ठीक हो जाए पहले जैसे, जो मैं अपने घर को संभाल सकूँ, सारी चीज़ें जो है मैं पहले जैसे कर सकूँ। बस अब मुझे जो है यही लग रहा है आजकल, तो बस वही उसी चीज़ों में जो है मैं घुसी पड़ी रहती हूँ। मेरा किचन जो है अभी तक साफ नहीं हुआ, आप देख सकते हो पूरे डब्बे में जो है धूल चढ़ी हुई है, मैं घस ही नहीं पा रही हूँ। किचन अच्छे से सेट नहीं हो पाया है, हॉल जो है नहीं बराबर से सेट हो पाया है, साथ ही में जो है घर को नहीं संभाल पा रही हूँ, पीकू की तरफ आजकल बहुत मतलब कम ध्यान हुए जैसा हो रहा है। पीकू कुछ खाती पीती नहीं, ऐसे ही खेलते रहती है। विवेक जो है वेफर्स के पैकेट्स ला के रख देते हैं उसके लिए कि ताकि वो खा ले उठ के, तो बस ऐसी ज़िंदगी चल रही है। तो बहुत मतलब ऐसा लग रहा है बहुत बुरा कि मतलब कब मैं वापस से ठीक हो जाऊँगी, कब सारी चीज़ें जो है अच्छे से मैं संभाल लूंगी। बस अब यही चीज़ें लग रही है मुझे, तो बस भगवान की दुआ से एक अच्छी सी डिलीवरी हो जाए, मैं बेबी हेल्दी ही और मतलब सुरक्षित से हम लोग घर पे आ जाए, उसके बाद में जो मैं सारी चीज़ें संभालूँ। बस यही अब मुझे लग रहा है कि बिल्कुल भी कुछ किया नहीं जा रहा है, किसी को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि मेरी तबीयत लग कैसे रही है। सबसे मेन चीज़ एंड पैरों में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है, एंड पैर इतने हेवी हेवी लग रहे हैं कि बस पैर उठाने का मन नहीं कर रहा है मुझे। चलिए बातें बहुत हो गई है, बातें करते करते और टाइम हो जाएगा, 12 बज चुके हैं ऑलरेडी, एंड मेरे को जो है 2:30 बजे जाना है। तो मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ, रोटियाँ बनानी है, सब्जी और कढ़ी बनाने का सोच लूँ मैं। मिक्स वेज के साथ जो है कढ़ी बहुत अच्छी लगती है, तो कढ़ी बनाऊँगी इसके साथ में, एंड मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में।